छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीजेपी बीजेपी युवा मोर्चा के हल्ला बोल विरोध प्रदर्शन के बाद अब पुलिस एक्शन में आ गई है। प्रदर्शन के दौरान की गई वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के जरिए पुलिस ने भाजपाइयों पर मामला दर्ज किया है। इनके ऊपर हंगामे, तोड़फोड़, शासकीय कार्य में बाधा डालने सहित अन्य मामले शामिल होने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक जगदलपुर के कार्यकर्ता अविनाश श्रीवास्तव, आनंद झा और अन्य के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। वहीं ओसीएम चौक के पास पुलिस को लाठीचार्ज के लिए उकसाने, अपशब्दों का प्रयोग करने वाले जवानों से अभद्रता और धक्का मुक्की का आरोप है। वहीं तुषार चोपड़ा और अन्य पर पुलिस से अभद्रता, मारपीट, शासकीय कार्य में बाधा डालने पर कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि वीडियो के आधार पर कुछ अन्य नामों की भी पहचान की जा रही है जिन्होंने प्रदर्शन के अतिरिक्त विधि विरुद्ध कार्य किया है। प्रदर्शन के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई थी, पुलिस के ऊपर हमला किया गया था, पुलिस से मारपीट की गई थी, कुछ जगहों पर गाड़ी पर तोड़फोड़ की गई थी, शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न किया गया था। इस बात को लेकर के विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। सिविल लाइन थाने में 4 अपराध पंजीबद्ध हैं, कोतवाली थाने में 2 अपराध पंजीबद्ध हैं। अभी प्रक्रियाधीन है, मामला विवेचनाधीन है, अभी किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई।